लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे छोड़ा था, हमें स्टार्ट करना था जॉइंट्स से, राइट? जॉइंट्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज. यस. एंड मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। ओके. सो यस, द स्टडी ऑफ द जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी, राइट? द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी. एंड जॉइंट्स जो है वो एक एक ऐसा पॉइंट है जो कॉन्टैक्ट करता है बिटवीन बोन्स, ठीक है? तो जॉइंट्स सिंपली एज सिंपल एज दैट इज अ सिंपल पॉइंट, ठीक है? और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है? जहाँ हमें कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है बिटवीन बिटवीन बोन्स, ठीक है? बिटवीन बोन्स और बिटवीन दी बोन्स, या कार्टिलेज भी हो सकती है यहाँ पे, जिस जॉइंट पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है? सो दैट इज रेफर टू एज टू द यूनियन और आर्टिकुलेशन ऑफ टू और मोर बोन्स ऑफ द स्केलेटन बेस्ड ऑन द मोबिलिटी. लाइक सम आर इमूवेबल जॉइंट्स एज वेल इन आवर बॉडी, सम आर इमूवेबल जॉइंट्स एज वेल, जिन्हें हम फिब्रस जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? थ्री मेन टाइप के जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? तो यही है वो जिसे हम फिब्रस जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं. नंबर वन, राइट? लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मेंशन है. और या फिर हम इन्हें सिन आर्थ्रोस जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं. सिन आर्थ्रोस जॉइंट के नाम से भी जानते हैं. देखो, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड होना, ठीक है? तो ये फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो इमूवेबल होते हैं. सम आर स्लाइटली मूवेबल एज वेल, सम आर स्लाइटली मूवेबल एज वेल, और या इम परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है? या फिर इम परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है? इम परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? और या फिर आप इसको दूसरा नाम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी बोलते हो, ये वही है कार्टिलेजिनस जॉइंट. या फिर और नाम अगर आप जानना चाहें इसके, तो ये एम्फी एथ्रोस जॉइंट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं. एम्फी आर्थ्रोस, एम्फी, देखो वर्ड्स को कैच करो मैं क्या लिख रहा हूँ. एम्फी आर्थ्रोस, देखो एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, ठीक है? एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल. तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? दोनों टाइप के, सम आर मूवेबल सम आर इमूवेबल, लाइक ऐसे. तो इम्परफेक्टली मूवेबल जब हम इसको बोल रहे हैं, तो यानी परफेक्टली मूव भी नहीं कर पा रहे हैं ये, और परफेक्टली इमूवेबल भी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको एम्फी एर्थ्रोस के नाम से भी जानते हैं. एर्थ्रोस जो है वो जॉइंट्स के लिए आता है. नेक्स्ट इज द थर्ड वन, आर द फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल या फिर परफेक्टली मूवेबल, राइट? जिसे हम सिनोवियल जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इन्हें सिनोवियल जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं. आप पढ़ेंगे आगे, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हाइन जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, सैडल जॉइंट, इज ऑल आर कम्स इन दिस सिनोवियल जॉइंट. एंड फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, इन जॉइंट्स वाले पोर्शन से एक सवाल जरूर आता है आपके नीट में. जब आप लास्ट का पोर्शन देखते हो ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस जॉइंट वाले पोर्शन से, और जो आप इसमें टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ते हो मस्कुलर से रिलेटेड, सो यस, वहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है इन रीजन से. तो ये तीन टाइप के, हमने थ्री मेन टाइप्स के जॉइंट्स की बात कर ली. इमूवेबल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट जिसको हम बोलते हैं, इम्परफेक्टली मूवेबल जॉइंट जिसे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, और
परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स, जिसे हम सिनोवियल जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद जैसे ये जो फाइब्रस जॉइंट है आपके, जो इमूवेबल जॉइंट्स हैं, इनके अंदर कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है? नो जॉइंट कैविटी, ठीक है? इनमें हम क्या बोलते हैं, नो जॉइंट कैविटी, नो जॉइंट कैविटी, नो जॉइंट कैविटी, दैट मीन्स नो मूवमेंट पॉसिबल, नो जॉइंट कैविटी एंड नो मूवमेंट, नो मूवमेंट्स पॉसिबल, ठीक है? ऐसा इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है? ये जॉइंट्स कैसे होते हैं, ये आपस में स्विचर होते हैं, ठीक है? कैसे होते हैं, ये आपस में स्विचर्स होते हैं, स्विचर्स। मैंने उस दिन भी बताया था शायद एक बार, कि आपस में ये स्विचर होते हैं, जुड़े हुए होते हैं लाइक, ठीक है? तो स्विचर यानी कि इस तरह के जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? दीज आर लाइक फाउंड इन योर स्कल बोन्स, ठीक है? हमारी जो स्कल बोन्स हैं, वहां पे इस तरह के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स कनेक्ट बोन्स विदाउट अलाउइंग एनी मूवमेंट, तो कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। द बोन्स ऑफ द स्कल एंड द पेल्विस आर हेल्ड टुगेदर बाय द फाइब्रस जॉइंट। तो दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम्पल हो गया जहां पे हमें ये देखने को मिलते हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उसका एग्जाम्पल कौन सा है, या फिर ये क्वेश्चन जो है आपसे मैचिंग की फॉर्म में भी आ सकता है, जहाँ आपको सही आंसर इसका बताना होगा। तो स्विचर्स होते हैं, एंड द यूनियन ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस एंड वर्टिब्रल आर द फाइब्रस जॉइंट। तो ये उन रीजंस में भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? एंड सम आर यू नो फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर, कुछ कार्टिलेजिनस या फिर जो इम्परफेक्टली मूवेबल होते हैं, ठीक है? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर जॉइंट्स इन विच द बोन्स आर अटैच्ड बाय द कार्टिलेज। आप ऐसे जॉइंट्स आप लोगों ने पीछे भी पढ़े थे, लास्ट क्लास में हमने जब बात की थी हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, से यस और नो, तो आपके वर्टिब्रल कॉलम में ये जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये इम्परफेक्टली मूवेबल होते हैं, तो हम इसको कहते हैं विद और विदाउट, विद और विदाउट जॉइंट कैविटीज, जॉइंट कैविटीज, विद और विदाउट जॉइंट कैविटीज, ये परमिट करती है कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट को। इस तरह की जो कैविटीज है, जो इनके अंदर हैं भी और नहीं भी प्रेजेंट है ये कैविटी, या जो स्पेस जो है एक तरीके का, ये अलाउ करता है फॉर ओनली अ लिटिल मूवमेंट, ठीक है? सच एज इन द स्पाइन, सच एज इन द रिब्स एज वेल। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, और ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि बनता भी है। तो यस, बिटवीन द वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द इवन यू नो सम ये दिस द रिब्स जो हो गए हमारे, वहां हमें कार्टिलेजिनस टाइप के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद जब हम बात करते हैं सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में, तो सिनोवियल जॉइंट्स, दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही है जिसपे से सवाल पूछा जाता है। सिनोवियल जॉइंट्स में, जिसमें सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इनके अंदर सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, क्या इस फ्लूइड की कोई इंपॉर्टेंस है? तो यस, इस फ्लूइड की इंपॉर्टेंस है, आपसे सीबीएसई में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दैट फ्लूइड हेल्प्स, अलाउज मूवमेंट, यस दैट अलाउ मूवमेंट एज वेल, दैट प्रोवाइड द लुब्रिकेशन एज वेल, ठीक है? लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्ट द बोन्स। कभी आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं, एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, हालांकि एक मतलब आम लोग यूज करते हैं, नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट, वो कहते हैं इनके घुटने की रिप्लेसमेंट होगी क्योंकि इनके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है। मतलब साइकिल की चेन हो गई, पता नहीं उनके घुटने हो गए तो ग्रीस खत्म हो गई ना। व्हाट इज अ ये जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं, तो ये क्या है, यानी कि सिनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है। तो सिनोवियल फ्लूइड किसमें हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में। अब लुब्रिकेशन नहीं आती तो कई बार
फिर वो लास्ट में बिल्कुल वो रिप्लेसमेंट तक की प्रॉब्लम आ जाती है, हालांकि वो कई डिसऑर्डर्स में भी या मस्कुलर या स्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से भी देखने को मिलती है। ये क्या होता है, ये वही है कि लुब्रिकेस फ्लूइड का कम होना, तो वो मूवमेंट ठीक से नहीं होगी। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी अगर कोई बाइक की या कोई चेन है या फिर कोई आपकी साइकिल की चेन है, उसमें आप ग्रीस लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं ताकि वो स्मूथली वर्क करे, और अगर वो ऑयलिंग खत्म होने लगती है आपकी साइकिल की चेन में या वो लुब्रिकेंट कम होने लगता है, तो आपकी वो साइकिल की चेन अटक अटक के चलने लगेगी और आपको साइकिल चलाने में प्रॉब्लम होगी। कुछ यही है, इसलिए लोगों को यहाँ चलने में दिक्कत होती है और उनके इन्फ्लामेशन भी हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है, लाइक जैसे कि आपकी साइकिल की चेन टूट सकती है, ठीक है, ब्रेक हो सकती है, रफ हो सकती है, हार्ड हो सकती है, कुछ यही चीज हमें यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं हम कुछ कॉन्सेप्ट को। तो सिनोवियल जो जॉइंट्स होते हैं दे अलाउ फॉर मच मोर मूवमेंट। अब जब ये फ्लूइड ही कम होने लगेगा तो मूवमेंट कहाँ बचेगी फिर हमारे लिए ठीक तरह से करने। तो यस, जो कैविटीज होती हैं बिटवीन बोन्स इन सिनोवियल जॉइंट्स दे आर फिल्ड विद द सिनोवियल फ्लूइड एंड दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन योर सीबीएसई एग्जाम एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये हेल्प करता है बच्चों आपको आपके हमारे इन जॉइंट्स की अच्छी खासी मूवमेंट में, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है बोन्स को। एटलीस्ट ये 2 पॉइंट अगर आप लिख के आएंगे तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, 1 मार्क या 2 मार्क्स का सीबीएसई में आ जाता है। इस तरह के जॉइंट्स आपको बॉडी में सब जगह लगभग देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम जगह। सो सिनोवियल जॉइंट जो दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस जहाँ पे वो ज्वाइन कर रहा है, ऑफ द टू बोन्स। यस, सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट। यस, तो दैट इज इन अनदर फंक्शन, कंसिडरेबल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। दिस जॉइंट्स हेल्प इन द लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट्स इन आवर बॉडी एट इन आवर जॉइंट्स एज वेल। ठीक है, जहां जहां स्पेसिफिक ये जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है इसमें जो एक हेड होता है एक ऑफ वन बोन विच इज लाइक फिटिंग इन टू द सॉकेट, तो ये इसको हम ऐसा लगता है कि जैसे वो फिट है किसी सॉकेट के अंदर। ठीक है, तो एक एक लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर और एक वो फिटेड है किसी सॉकेट के अंदर, वो फिट है किसी सॉकेट के अंदर, आगे जाके ये किसी सॉकेट के अंदर फिट है। तो एक हो गया इसका हेड रीजन, एक हो गया इसका हेड रीजन ऑफ वन बॉन। ठीक है, ये हेड हो गया किसी एक बॉन का एंड दैट इज फिटिंग इन द सॉकेट ऑफ द यू नो द अदर एंड द अदर बॉन, और जो अलाउ करता है मूवमेंट को किसी एक अलग प्लेन के अंदर। तो इसलिए हम इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम देते हैं। आपको जनरली ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल। यस, एंड यू नो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे शोल्डर है हमारे, तो उसका भी एग्जाम्पल है, कल मैं बता भी रहा था शायद लास्ट क्लास में, तो शोल्डर जो हो गए हमारे वो भी एक उसका एग्जाम्पल है। शोल्डर के साथ या शोल्डर जॉइंट, सॉरी शोल्डर नहीं बोलूंगा, शोल्डर जॉइंट बोलूंगा। तो शोल्डर जॉइंट हो गए, उसके साथ साथ जो पैल्विक जैसे पेक्टोरल गर्डल है, इस तरीके से जो आपके हिप जॉइंट है वो भी एक उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। राइट, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल हुए। एंड यस, यहाँ पे जैसे ह्यूमरस की बात की गई है तो बिल्कुल स्कैपुला में देर इज एन ग्लेनॉइड कैविटी, याद हो अगर आपको तो हमने ग्लेनॉइड कैविटी पढ़ी थी। ठीक है, हम लोगों ने ग्लेनॉइड कैविटी को डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। तो यस, यहाँ पे जो ये आपकी जो स्कैपुला होती है वहां पे ग्लेनॉइड कैविटी होती है, वो आर्टिकुलेट करती है हेड को, ह्यूमरस के हेड को। यहाँ पे एक कैविटी है जो ग्लेनॉइड कैविटी है, वो ह्यूमरस का जो हेड रीजन होता है, मैं बॉल की तरह बना रहा हूँ उसको, तो आप समझ जाएंगे कि वो ह्यूमरस का हेड रीजन है। तो उसका जो ह्यूमरस का जो यू नो जो हेड है और जो जो फॉर्मिंग जो बॉल बनती है यहाँ पे, वो इस तरीके से नीचे एक पार्ट जो इस कैविटी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है वहाँ पे, ऐसी अपेयरेंस होती है उसकी। राइट, सो उसके बाद जैसे हम बात करते हैं इसमें जैसे दूसरा, मैं पैल्विक गर्डल का भी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, जिसमें आप हिप जॉइंट की बात कर रहे हो, तीन बॉन पड़ी थी, इलियम है, एसकेएम है, प्यूबिस है। ठीक है, तो वहां पे भी इसी तरीके से हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिनोवियल जॉइंट के ऊपर, और लगभग लगभग 10 में से 7 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नीट में। आप पिछले 5 से 6 साल के पेपर उठा के देखोगे तो सिनोवियल जॉइंट पे आपको क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा, मैचिंग की फॉर्म में क्वेश्चन आता है।
तो आप ध्यान रखिएगा, या फिर अगर ऊपर से नहीं आएगा तो इसके ठीक नीचे जब आप एनसीईआरटी अपने पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं, जिसमें टिटेनिया आपको मिलेगा, मिस्थेनिया ग्रेविस मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर ऑस्टियो अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज है, वो डिसऑर्डर जो है वो मिलेंगे आपको वहां से, नहीं तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर का जो लास्ट पेज है वो आप अगर एनसीईआरटी लेके बैठे तो इम्पोर्टेंट जरूर लिख लें उस पर, क्योंकि लगभग हर साल वहां ऊपर से नहीं तो नीचे से सवाल जरूर पूछ लिया जाता है, जॉइंट्स वाले पार्ट से या फिर डिसऑर्डर से, और ये मैचिंग की फॉर्म में सवाल आपसे पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हाइंज जॉइंट के बारे में, ये एक परफेक्ट जॉइंट है विच अलाउ द मूवमेंट ओनली इन अ सिंगल प्लेन, लाइक आपका एल्बो जॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंगल वे में, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक तरह का एक परफेक्ट जॉइंट हम इसको मानते हैं, और परफेक्ट जॉइंट इसलिए क्योंकि ये एक सिंगल प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करता है, मूवमेंट ओनली इन, मूवमेंट ओनली इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है, मूवमेंट ओनली इन अ सिंगल प्लेन। तो आप इसको बोलेंगे नी जॉइंट हो गया जैसे आपका लिखा हुआ है, और एल्बो की जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो आपका एल्बो जॉइंट हो गया। तो इस तरीके से इनके दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हाइंज के बाद जरा और देखते हैं कौन कौन से, जैसे यहाँ लिखा है पाइवोइड जॉइंट जो है, ठीक है, और रोटेरिया जॉइंट्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, पाइवोइड जॉइंट जो है इसे हम रोटेरी जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड द रोटेरी जॉइंट्स अभी बताता हूँ। तो पाइवोटल जॉइंट जो है इसकी जो टू बोन्स होती हैं वो दैट इज अ फिक्स्ड एक प्लेस पे, और जैसे कि हमारा जो एटलस है या एक्सिस है, राइट, एटलस जो है जो स्कल के अंदर है हमारे, और एक्सिस जो है वो हमारा तो जो वर्टिब्रा है मैमल्स के अंदर, तो वहां पे, तो उन जगहों पे ये पाइवोइड जॉइंट जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रोटेरी है बहुत ज्यादा, हम इसको मूव नहीं करा सकते, ठीक है, और फिक्स्ड होते हैं एक तरीके से, फिक्स्ड होते हैं ये, ठीक है, वन ऑफ द टू बोन्स जो है इनकी फिक्स्ड होती है इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पे ये फिक्स्ड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे बस की नहीं है कि हम उसको उस तरीके से मूव कराएं जिस तरीके से हम एल्बो को या नी को अपनी बेंड कर रहे हैं या मूव करा पा रहे हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट इज हेयर द ग्लाइडिंग जॉइंट एज वेल बिटवीन द कार्पल्स, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है इसमें मैचिंग की फॉर्म में, दो तीन इसमें से कुछ भी आपको देते हैं। ग्लाइडिंग के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे है, तो जॉइंट जो परमिट करता है आपकी जो स्लाइडिंग होती है, जितनी भी जो आर्टिकुलेटिंग बॉन्स हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पे कार्पल्स के अंदर, और मूव कराने में उनको हेल्प करती है। अब कौन कौन सी आती है इनके अंदर, जैसे कि बिटवीन द कार्पल्स यहाँ लिखा है, या मैं इसको कह सकता हूँ कि जॉइंट्स बिटवीन द, जॉइंट्स बिटवीन रेड लाइक रेडियो, ठीक है, या रेडियो है या रेडियल है या अल्ना है, ठीक है, एंड कार्पल्स है, राइट। तो ये सभी उसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। रेडियल को रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, एंड तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स हो गए इनके, ठीक है। और उसके अलावा जैसे यहाँ लिखा हुआ है सैडल जॉइंट है बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द टंग, सैडल जॉइंट, यस, ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, सिमिलर टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अपेयरेंस जैसी दिखती है इसकी, सिमिलर टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, सिमिलर टू बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बट बहुत जो इनकी जो जो बॉल होती है और जो सॉकेट होती है पुअरली डेवलप होती है, तो मूवमेंट जो होती है वो अगर उसके कंपैरेटिवली देखूं तो उसके कंपैरेटिवली लेस फ्री होती है वो, ठीक है। अब जैसे आप अपने मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, थंब के एग्जांपल जैसे लिखा हुआ यहाँ पर, आप उसको मूव करा के देख सकते हो, और कार्पल है आपका तो उसके एग्जाम्पल है ये, तो ये सिमिलर टू बॉल एंड सॉकेट टाइप होती है, लेकिन लेस कंपैरेटिवली लेस फ्री होती है ये, वो ज्यादा होती है, ठीक है। आप अपने शोल्डर को उसको ज्यादा अच्छे से मूव करा सकते हो एज कंपेयर टू मेटाकार्पल ऑफ द थंब, है कि नहीं, या बिटवीन द कार्पल, आप अपने, मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से, तो हम उसको ज्यादा बेहतर तरीके से मूव करा सकते हैं एज कंपेयर टू दिस, इज दैट क्लियर, जॉइंट वाला पार्ट क्लियर, यस सर। ग्रेट। नेक्स्ट इज नाउ द डिसऑर्डर्स, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
माइस्थेनिया ग्रेविस, जो सबसे पहला यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है डिजीज का या डिसऑर्डर जो है आपका, और ये जो है आपके, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। आप लोगों ने कई बार एग्जाम्पल सुना होगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का। ना ये ऑटो इम्यून कंडीशंस क्या होती हैं, क्या है ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज हैं जब हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी का, मैंने क्या कहा, जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल्स के अंदर डिफरेंस ही ना बता पाए। क्या कहा मैंने, जो अपनी सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स के अंदर ही डिफरेंस ना बता पाए। तो इन सिंपल ऑटोइम्यून डिजीज हैपेंस व्हेन द बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम कांट टेल यू द डिफरेंस बिटवीन योर ऑन सेल्स एंड द फॉरेन सेल्स। जब ये डिफरेंस ही नहीं बता लगता हमें कई बार बीमारियों में, तो ऐसी बीमारियों को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। और ऐसे में होता क्या है कि हमारी बॉडी अपनी ही सेल्फ सेल्स पे अटैक करने लगती है। मिस्टेक, ऐसा बाय एरर होता है, लेकिन अपनी ही बॉडी सेल्स को खत्म कर देना, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऐसे में कई दवा भी काम नहीं आती। जब आपकी बॉडी की सेल्स खुद ही अपनी सेल्स को खराब कर रही हैं, तो ऐसे में मेडिकल या फिर दवा भी जो है वो काम काम नहीं आती। वो स्लो डाउन करती है उनके इम्पैक्ट को, और धीरे 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 कई बार बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करती है कि नहीं भाई, ये हमारी बॉडी की सेल है। तो मिस्टेकली ऐसा होता है। आप पढ़ेंगे आगे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के अंदर क्लास 12th में, एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में क्लास 12th में, आप इस तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आप डिजीज को पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। तो इतना, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब है यहाँ पे। ऑटो का मतलब सेल्फ, इम्यून मतलब आप ही के इम्यून सिस्टम की बात हो रही है। जब आपका इम्यून सिस्टम फेल हो रहा है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के अंदर, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स के पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन में जब आपकी बॉडी फेल हो जाती है, और ऐसा बाय मिस्टेक होता है, तो ऐसे में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफर होते हैं। देर आर इन हमारे लगभग लगभग 50 से ज्यादा टाइप के ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जो अफेक्ट करती हैं वाइड रेंज ऑफ बॉडी पार्ट्स को बच्चों। और जो मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं जो कई विमेन्स के अंदर भी ज्यादा देखने को मिलती हैं, तो उनमें से जैसे ये कुछ आपके यहाँ पे सामने नाम लिखा हुआ है, तो अफेक्टिंग लाइक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीक, माइस्थेनिया ग्रेविस जिसका एक नाम है, ये की भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्ट करता है आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, थकावट जिसकी वजह से होती है, वीकनिंग और पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल, राइट। उसके अलावा रेमेटॉइड अर्थराइटिस भी उसी में से एक है। उसके अलावा सोरासिस, आप लोगों ने सुना होगा सोरासिस के बारे में, क्या कभी आप लोगों ने सोरासिस सुना है? शायद सुना होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। यस सर। हाँ जी, सोरासिस में क्या होता है, एक कंडीशन है जिसमें क्या देखने को मिलता है, बाय द थिक स्केली पैचेस ओवर द स्किन रेडनेस देखने को मिलती है। तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर आता है, ठीक है। बहुत सारी डिजीजेज हैं यहाँ पे या डिसऑर्डर्स हैं जो इस ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर आते हैं। उसके अलावा जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उसमें से एक है, तो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होना स्केलेटल मसल का, ये एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। एबनॉर्मेलिटीज की वजह से, जेनेटिकल डिसऑर्डर मतलब यानी कि किसी जीन के डिलेट होने की वजह से या किसी जीन के डुप्लीकेट होने की वजह से हमें इस तरह की जेनेटिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। पढ़ेंगे आप आगे जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में क्लास 12th में चैप्टर 5 में, लास्ट में जब आप मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जब आप कई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे एक से एक सर, आप इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? किन के जी इसी के अर्थराइटिस की, मस्कुलर आपकी आवाज, आप बोलते बोलते चुप हो गए हैं। सर इसी के मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। अच्छा, मस्कुलर डायस्ट्रॉफी के, लेकिन सिंपल यस सी, सर, हाँ ये ना एक ग्रुप है बेटा अपने आप में, जेनेटिकल जितनी भी जो जेनेटिकल डिजीज होती है अपने आप में उसका एक ग्रुप है ये। तो ग्रुप में हमें कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कई बार पर्सन, अब स्केलेटल सिस्टम से रिलेट है बेटा ये, तो स्केलेटल सिस्टम में हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें वॉकिंग में दिक्कत हो सकती है, किसी को भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए मसल्स का वीक होना, ठीक है, मसल्स वीक हो सकती है, मैं कह सकता हूँ कि लॉस ऑफ मसल्स होना, ठीक है,
उसके अलावा आपके जो मसल्स हैं उनके साइज में प्रॉब्लम आना, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है मसल्स के। कई बार तो जब क्रॉनिक हो या बहुत ज्यादा लंबे समय से हो तो पेशेंट को व्हील चेयर तक पे उतरना पड़ सकता है, क्योंकि बात स्केलेटल मसल्स की है। प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन हो रहा है। डीजेनरेशन का मतलब समझते हो ना, कमी आना। बोलो सी यस और नो, डीजेनरेट मतलब किसी की कमी आ रही यस है। सर, तो प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। अब प्रोग्रेसिव जो मसल हो रही है तो लॉस ऑफ मसल तो होगा, यानी कि वॉकिंग में प्रॉब्लम आएगी, एबनॉर्मल वॉकिंग हो सकती है, चाल एबनॉर्मल हो सकती है आपकी। नॉर्मल यानी कि आप पैर रखेंगे कैसे और आपका रखा जाएगा कैसे, चलने में डिफिकल्टी। तो ये कुछ इस तरीके से हम, और बहुत सारे और भी इसके सिम्टम्स हैं। इस आप जैसे ये देखोगे तो चलने में प्रॉब्लम होगी, तो इसकी वजह से हमें फटीगनेस भी हो सकती है मसल्स के अंदर जल्दी। और तो ये कॉमन कुछ सिम्टम्स हैं जो इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एक इम्पॉर्टेंट आप पढ़ते हैं जैसे कि टिटैनी है, ठीक है। अब टिटैनी पे भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, टिटैनी पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड है कैसे, ये भी एक तरह का जैसे रैपिड स्पैजम हम कह रहे हैं, ऐंठन जैसे आ जाती है कई बार पैरों में, ऐंठन टाइप, लाइक आपके स्केलेटल सिस्टम में। स्पैजम का मतलब होता है ऐंठ जाना। तो क्यों होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्पैजम, यानी कि ऐंठन क्यों आती है जब मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। ये भी कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी एनहांस करता है एक आपके न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को, ठीक है। बहुत सी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज हैं जिसकी वजह से ये लो कैल्शियम लेवल आपका बॉडी के अंदर हो सकता है, जिसकी वजह से टिटैनी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। आपसे बोले कि भाई क्यों होता है ऐसा, लो कैल्शियम लेवल क्यों हो रहा है, तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम आपका एक तरह एक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये इलेक्ट्रोलाइट आपके किसी भी मेटाबॉलिक XYZ एक्टिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट का लेवल एबनॉर्मल हो सकता है, या इस इलेक्ट्रोलाइट का लेवल इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो यस, तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपोकैल्सीमिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया हम बोलेंगे इसको। तो जब कंडीशन बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया के बने तो टिटैनी की तरफ हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हम इस तरफ बढ़ सकते हैं, पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से हम बढ़ सकते हैं, मतलब बहुत सारी फिर अलग अलग डिजीज बॉडी के अंदर हो सकती है। तो हर एक आयन, हर एक इलेक्ट्रोलाइट का आपकी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सभी का। अब आप कहेंगे कि सर इसमें सिम्टम्स कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स के अंदर, ठीक है, इसी कैल्शियम के लो लेवल की वजह से, राइट। एंड कई बार कैसा हो सकता है कि जैसे आप लोगों ने मसल क्रैम्प फील किए हो, कभी कभी किए मसल क्रैम्प आप लोगों ने, मसल क्रैम्प अगर कभी फील किए हो, या कभी मतलब वो वाला क्रैम्प नहीं जब आप भागते भागते अचानक से, वो अलग है लैक्टिक एसिड वाला, या कभी आप बैठे हैं या बैठ के अचानक से उठे, कभी सीनियर सिटीजन के अंदर देखे हो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये कभी सीनियर सिटीजन को, सर तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। नंबनेस होना, नंबनेस जैसे कि आपने सुना हो, नंबनेस हो गया, ठीक है। तो ये नंबनेस भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, नंबनेस भी हमें देखने को होता मिलती है। है हाँ बेटा, सर, करंट जैसा फ्लो होता है। करंट जैसा फ्लो होता है, ठीक है। हाँ, तो कुछ मतलब इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, हाथ में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, तो ये कैल्शियम के लो लेवल की वजह से। आगे बात करते हैं अर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस जो है वो आइटिस का मतलब, मैंने आपको पहले भी बताया है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और आर्थ्रो जो वर्ड है वो जॉइंट से रिलेटेड है। तो सिंपली ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। तो कहीं भी आप किसी मेडिकल टर्म में आइटिस वर्ड लगा हुआ देखें तो समझ जाना वहां पे इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। अब ये इन्फ्लामेशन जो है दैट कैन बी सेवरल टाइप, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एक आप पढ़ते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के टाइप हैं ये। और कुछ हो सकते हैं जैसे ऑस्टियो अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ठीक है। और कुछ होते हैं जैसे
गाउटी अर्थराइटिस, ये आप लोगों ने सुना होगा, गाउटी का, गाउटी अर्थराइटिस या फिर गाउट, गठिया बाय का इलाज कराएं, सफलता पाएं, सुना होगा जगह जगह कहीं पे। हाँ यस सर। ये जरूर सुनते हैं, मुझे पता है ये वाला तो कॉमन है ना काफी। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, दैट इज दी यू नो द रूमेटॉइड फैक्टर होता है, ठीक है। हालांकि ये पढ़ते नहीं है आप यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए फिर भी, नॉलेज के लिए अच्छा है आपके लिए। तो रूमेटॉइड जो है एक टाइप होता है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कई चीजें यहाँ की रिलेट करेंगे आप, क्लास 12th में ध्यान रखिएगा। इम्यूनोग्लोबिन जैसे कि IgM है, ठीक है, तो एक ये इस रूमेटॉइड फैक्टर है, ये सिंपली रूमेटॉइड फैक्टर है ये। तो इसका जो प्राइमरी सिम्टम है वो ये है कि इन्फ्लामेशन होना सिनोवियल मेम्ब्रेन्स के अंदर, जो सिनोवियल फ्लूइड की आप बात कर रहे हैं तो उन सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन आती है, ठीक है। और अगर हम इसको छोड़ दें ऐसे अनट्रीटेड, तो ये मेम्ब्रेन जो है वो थिक होने लगती है और सिनोवियल फ्लूइड जो है वो बढ़ने लगता है, और जब इस पे प्रेशर एग्जर्ट होता है तो वो पेन कॉज करता है मेम्ब्रेन के बढ़ने की वजह से। जब इस पे प्रेशर कब एग्जर्ट होगा, जब आप चल रहे हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं, जब आप भाग रहे हैं, तो भागने पे चलने पे आपके जॉइंट्स पे या मसल्स पे प्रेशर नहीं आता, से यस और नो, आता है, आता है। यस सर। तो मैंने कहा कि ये प्राइमरी सिम्टम जो है इसका वो इन्फ्लामेशन है सिनोवियल मेम्ब्रेन का। अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ते हो तो मेम्ब्रेन जो है वो थिक होती चली जाएगी और सिनोवियल फ्लूइड जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और जब उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, जब प्रेशर लगेगा तो फिर होंगे दर्द, दर्द खतरनाक वाले। मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स को, इस मेम्ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स बनने स्टार्ट होते हैं, और उन ग्रेन्यूल्स को हम पैंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको ये नाम एज सच को याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ। आफ्टर इनकी एक्यूमुलेट होने की वजह से, जब हमारी जो अंदर जो कौन से वो पड़े थे हमने हाइलिन कार्टिलेज, तो उनमें एक्यूमुलेट होने की वजह से उनकी सरफेस पे उनका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके रिजल्ट से हमारी जो टिश्यूज हैं वो अटैच होते हैं हमारी बोन से और वो उसको ऑसिफाइड कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स जो हैं वो इमूवेबल होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट जो है वो इमूवेबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है, उसके बाद फिर आप फिजियोथेरेपीज कराओ, आप फिर उसके अंदर हीट ट्रीटमेंट थेरेपीज कराओ, और एक्सट्रीम केसेस में जॉइंट को रिप्लेस कराओ। आई रिपीट क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि ये डायग्नोस होता है रूमेटॉइड फैक्टर की वजह से, राइट, इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर है। प्राइमरी सिम्टम मैंने बोला कि इन्फ्लामेशन आने लगती है सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर, तो मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन आ रही है तो मेम्ब्रेन थिक होके सिनोवियल फ्लूड को इंक्रीज कर देती है, और जब उसके अंदर एग्जर्ट प्रेशर एग्जर्ट होता है बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से, फ्लूड वो बहुत ज्यादा बढ़ने की भी वजह से, तो वो पेन कॉज करता है जब हम चलते हैं, तो मूवमेंट जब हम करते हैं तो, और जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स इकट्ठे होने लगते हैं उस मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे हम पैनिस के नाम से जानते हैं। इनके एक्यूमुलेट होने की वजह से जो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं उनके इरोजन होने स्टार्ट होते हैं, और जिसका रिजल्ट ही होता है कि जो हमारे इन इस एरियाज में जो फाइब्रस टिश्यूज हैं वो अटैच होने लगते हैं बोन से एंड दे बिकम ऑसिफाइड, और जिसकी जब उनके ऑसिफाइड होने की वजह से हमारे जॉइंट जो है वो इमूवेबल हो जाते हैं, और जब जॉइंट्स इमूवेबल हो गए तो अब चलना प्रॉब्लम हो गया, और फिर हम कैसे जाते हैं, हम हीट ट्रीटमेंट थेरेपीज होती हैं, वो कई पढ़ेंगे आप आगे, फिजियोथेरेपीज है आज के टाइम पे, या लास्ट में सीधा सीधा जॉइंट रिप्लेसमेंट है, जो भी डैमेज जॉइंट है उनको रिप्लेस कराओ। ये होता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। फिर एक आता है यहाँ पे गाउटी अर्थराइटिस, दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के ज्यादा बनने की वजह से, जब हम इसको इनएबिलिटी होती है इसको एक्सक्रीट आउट करने में, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस डिपेंड करती हैं इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। तो भाई क्या होने लगता है, ये यूरिक एसिड क्या है, जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है जॉइंट्स में, और कन्वर्ट होके
ये जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है, कन्वर्टेबल फॉर्म के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मोनोसोडियम सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं मोनोसोडियम सॉल्ट का नाम देते हैं, तो उनके अंदर ये डिपॉजिट होने लगता है। अब ये भी फिर पेनफुल प्रॉब्लम, ठीक है, इनके अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है फिर हमें, वही सब राइट, चलने फिरने में दिक्कत, इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, इन्फ्लामेशन। गठिया बाई के पेशेंट देखें किसी ने, गाउटी के पेशेंट देखें किसी ने, गाउट सिंपली, यस सर। शायद कोई कुछ लिख रहा है लेकिन मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे आवाज आ रही है उनके मैसेजेस की, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। तो गाउट में जो है सिंपली पेन एरियाज होते हैं इसके अंदर भी, वही जॉइंट्स में पेन होंगे, एंकल में पेन होंगे, फुट में पेन होंगे, नी में पेन हो सकता है, टॉ में पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, स्वेलिंग देखी जाती है, स्वेलिंग, दवाइयां खाते रहो, इलाज नहीं है कोई, ठीक है, कोई जल्दी से इलाज नहीं है इन चीजों का, ठीक है, फिजिकल डिफॉर्मिटी आ जाती है, चलना चलना पाना ठीक से, प्रॉब्लम होना चलने फिरने में, क्योंकि जब स्वेलिंग आ जाए किसी पार्ट में तो चलने फिरने में कई बार दिक्कत होने लगती है। इसके बाद ऑस्टियो अर्थराइटिस। अब ऑस्टियो वर्ड किससे बना है बच्चों? ऑस्टियो जो वर्ड है वो बना है किससे? बोन से। ऑस्टियो जो वर्ड है बना है बोन से, ऑस्टियो अर्थराइटिस, ये भी डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, कार्टिलेज का डिजेनरेट होना और प्रोलिफरेशन होना न्यू बॉन्ड्स का, नई नई बॉन्ड बनना, न्यू बॉन्ड बनना, प्रोलिफरेशन होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस। यूजुअली जो हमारे अफेक्टेड एरियाज होते हैं इसके अंदर वो स्पाइन है, जैसे अफेक्टेड एरिया स्पाइन हो गया, स्पाइन के अलावा जैसे नीज हो गए हमारे अफेक्टेड एरियाज इसके अंदर, उसके अलावा हैंड्स हो गए, ये अफेक्टेड एरियाज होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। ऑस्टियो बॉन्ड नाम से ही पता लग रहा है हमें कि किसके बारे में बता रहा है ये, ऑस्टियो मतलब जो बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाता है। आगे चलते हैं फिर इसके अंदर, और अब आप बोलेंगे कि सर इसके सिम्टम्स कैसे कैसे होते हैं, तो क्या क्या होता है, तो भाई यहाँ पे भी वही पेन एरियाज वगैरह है हमारे, ये सभी जो मैंने नाम लिखे पेन अकर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, स्टिफनेस हो सकती है, ठीक है, तो ये सभी यहाँ देखे जाते हैं। देन सर, अदर स्वेलिंग से वेट बढ़ता है? डिपेंड करता है, समटाइम्स यस समटाइम्स नो, कि अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। स्वेलिंग वो ऐसी नहीं होती वेट बढ़ाने वाली, वो अलग होती है, ठीक है, सर हाँ वो स्वेलिंग नहीं है, और यस। तो ऑस्टियोपोरोसिस, इस पे अभी लास्ट टाइम भी सवाल आया था नीट में, ठीक है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है दैट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर्स। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज, वुमेन्स के अंदर देखने को मिलता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है यस, और एस्ट्रोजन का लेवल कम होना, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होना की वजह से ये अक्सर देखा गया है, एज के बढ़ते हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में लेवल चेंज होने लगता है, तो उस वजह से ये डिजीज कॉज होती है, ये डिसऑर्डर जो है वो बनता एंड तो मेन कॉज यही है इसका। और कैल्शियम वगैरह के कई बार लेवल कम होने की वजह से भी विमेंस के अंदर ये डिजीज देखी जाती है, तो कैल्शियम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर, ठीक है, एंड तो ये आपको इसमें इतना ध्यान रखना। गाउट हमने जैसे पढ़ा, इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड एज अ क्रिस्टल इज फॉर्म, जिसको हम गाउटी अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसके अंदर, ये कुछ डिजीज हैं जो डिसऑर्डर थे और ये सारे इंपॉर्टेंट थे, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे वाइंड अप होता है। क्लियर ये पॉइंट सबको? यस सर, यस सर। ग्रेट, अब आगे इसमें बात करते हैं जैसे आपके नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, लास्ट चैप्टर हमारा क्लास 11th का, ठीक है, और देखते हैं आपके सीबीएसई लेवल पे तो कई चीजें इसमें डिलेटेड हैं, कुछ है ही नहीं सीबीएसई लेवल पे, तो दो तीन टॉपिक्स ही हैं, हम इसको सारा करेंगे और कम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक इसको समझेंगे। तो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है आपको एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। तो हमने बात की थी एक इंटीग्रेटिव सिस्टम के बारे में,
अगर मैं यहाँ बात करूँ एक इंटीग्रेटिव सिस्टम के बारे में, तो एक इंटीग्रेटिव सिस्टम आपका क्या बना रहा है? ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेटिव सिस्टम के बारे में, नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ इंटीग्रेटिव सिस्टम हेयर? क्योंकि हम पीछे भी इस कुछ पॉइंट्स को हम लोग डील कर चुके हैं, तो मैं उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा इसको। इंटीग्रेटिव सिस्टम से मेरा मतलब है कि दो टाइप के सिस्टम आपके मेन हैं यहाँ पे। ठीक है, दो टाइप के सिस्टम जो हैं वो आपके मेन हैं यहाँ पे। एक जिसको आप बोलते हो नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक जिसको आप बोल रहे हो नर्वस सिस्टम, और दूसरा जिसको आप बोल रहे हो एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ चुके हो, ठीक है, हम लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हो। नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस जो हम जानते हैं, क्योंकि नर्व्स के बारे में आप पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो, तो नर्व्स की जो एक्टिविटी होती है, नर्व्स की एक्टिविटी काफी फास्ट होती है। ठीक है, एक्टिविटी इज फास्ट, राइट, जबकि एंडोक्राइन की जो आप लोगों ने पढ़े जितने, एक्टिविटी स्लो होती है। ठीक है, स्लो एक्टिविटी होती है यहाँ पे, राइट, और एज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम कह रहा हूँ मैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम की कंपैरिजन में ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, तो यस, पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है न्यूरॉन्स का या नर्वस सिस्टम का। यस, जब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, जब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और एक हमें एग्जैक्ट रेस्पॉन्स भी देखने को मिलता है, एग्जैक्ट रेस्पॉन्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जैक्ट रेस्पॉन्स भी देखने को मिलता है, और लेकिन यहाँ पे हमें एक उससे कंपेयर करें तो एक वाइडली स्प्रेड होता है ये। वाइडली स्प्रेड कैसे होता है सर? वाइडली स्प्रेड होने से मतलब है क्योंकि यहाँ ये आके ब्लड के अंदर मिल जाता है। ठीक है, वाइडली स्प्रेड रेस्पॉन्स है एंडोक्राइन सिस्टम का, पहले जाएगा फिर उसके इम्पैक्ट को, जैसे मान लीजिए कोई इंसुलिन का ही हार्मोन ले लीजिए, तो पहले रिलीज होगा, फिर जाएगा ब्लड में, फिर अपना इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट करेगा, तो वाइडली वाइडली स्प्रेड हो गया। एक लंबा टाइम लेगी ये सब काम होने में। आपने अभी गुलाब जामुन खाया है, फिर आप उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, फिर इंसुलिन रिलीज होगा, या आपके डाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट करेगा, फिर उसको वो स्लो डाउन करना स्टार्ट करेगा या उसको मेंटेन करेगा, तो ये और एक लंबे टाइम तक करके रखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम के लिए ऐसा होगा, नहीं, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स होता है, ये एक लॉन्ग लास्टिंग रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, और लेकिन ये जो होता है, ऐसा नहीं है कि स्टिमुलाई आया वो आपको शाम तक फील हो रहा है कि अच्छा हाँ मेरा तो सुबह हाथ जल गया था, अरे मेरा हाथ बच गया था, बार बार फील हो रहा है या बार बार वैसा ही फील हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता, वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था। तो ये एक शॉर्ट शॉर्ट लिव एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, कम समय के लिए होता है। ठीक है, ये कम समय के लिए, तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है आपस में। जब हम बात करते हैं ह्यूमन में न्यूरल सिस्टम की, तो वो डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स के अंदर बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर मैं इस पॉइंट को वहीं पे जोड़ना चाहूँ दोबारा से, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप लोग जानते हो कि जब हम दो तरीके से इसको पढ़ते हैं, सीएनएस को, तो सीएनएस आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बटा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिवाइडेड है। और दूसरा जो उसका पार्ट आता है जिसे हम पीएनएस बोलते हैं, और पीएनएस जो है हमारा, ये भी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक होता है आपका पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट्स हो गए हमारे। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के आप चार्ट बनाएंगे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आप फर्दर ऐसे दिखाएंगे, आपको आसानी रहेगी चीजों को समझने में। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं बच्चों, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम क्रैनियन नर्व्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्रैनियन नर्व्स के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने? जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं, उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जो स्पाइनल या स्पाइनल नर्व्स के नाम से भी जानते हैं, या आप सिंपली उन्हें स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। यहां मैं नर्व्स के बारे में ही बता रहा हूं आपको। और जब बच्चों ये दोनों नर्व्स आपस में कंबाइन होती हैं, और जब ये दोनों नर्व्स आपस में कंबाइन होती हैं, तो ये कंबाइन होके किसको फॉर्म करती हैं?
आकिब, अंतरा, कर्णदेव, प्रतीक, तितिक्षा, रिया। सर पीएनएस। सो गए थे। ब्रेन, नो सर, स्पाइनल कॉर्ड। नो ब्रेन सर, से निकली क्रैनियल नर्व्स, स्पाइन से निकली स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल कॉर्ड, और दीज टू नर्व्स कंबाइंड एंड फॉर्म पीएनएस। ये लिखेंगे आप लोग अपने नोट्स में, दीज टू नर्व्स कंबाइन एंड फॉर्म पीएनएस। पीएनएस में फर्दर हम लोग डिवीजन देखते हैं, और पीएनएस के अंदर जो डिवीजन है हमारा, उसको हम बोलते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, दो पार्ट्स में। एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो यस, दो पार्ट्स में हम इनके बारे में बात करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दो पार्ट से। फर्दर हम इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपथेटिक डिवीजन और एक होता है पैरासिंपथेटिक डिवीजन। क्या कहा मैंने? एक होता है सिंपथेटिक डिवीजन, और एक होता है हमारा ऑटोनॉमिक नहीं सॉरी, मैं ऑटोनॉमिक तो मैं लिख दिया है, सॉरी 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 सॉरी, बाय मिस्टेक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक हो गया सिंपथेटिक, ठीक है, डिवीजन, और दूसरा होता है पैरासिंपथेटिक डिवीजन। पैरा सिंपथेटिक डिवीजन, ठीक है, तो इस तरीके से इनका डिवीजन हमें देखने को मिलता है। एमरजेंसी में बॉडी के साथ जो होता है उसे हम बोलते हैं पैरासिंपथेटिक डिवीजन। एमरजेंसी जो होती है ना, उस एमरजेंसी में बॉडी के साथ जो होता है ये पैरासिंपथेटिक वाला होता है, ठीक है। उसके अलावा जो बॉडी को सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली रिलैक्स कराता है, ये रिलैक्स कराने में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, ये रिलैक्स कराने में अपना रोल प्ले करता है। क्या कहा मैंने? पीएनएस, दो टाइप। पीएनएस कैसे बना? क्रैनियल नर्व से और स्पाइनल नर्व से। पीएनएस के दो टाइप, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एमरजेंसी में बॉडी के साथ होता है, सॉरी, सिंपथेटिक डिवीजन में, सॉरी सॉरी सॉरी, आई रिपीट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक। सिंपथेटिक एमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी के साथ देगा, जबकि जो पैरासिंपथेटिक डिवीजन्स होते हैं वो बॉडी को रिलैक्स कराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम बात करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो वो कंट्रोल करता है नर्व्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी स्केलेटल मसल एंड वॉलेंट्री पार्ट्स में। आई रिपीट, जब हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जब हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम या ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल नर्व्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, सीएनएस टू स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल, ठीक है, एंड वॉलेंट्री मसल्स एज वेल, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉम जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल कर रहा है नर्व्स को फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल, ठीक है, आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए लिखेंगे, वो कंट्रोल कर रहा है नर्व्स फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल, तो कंट्रोल कर रहा है सीएनएस टू स्केलेटल मसल या इनवॉलेंट्री मसल। ऑटोनॉमिक के लिए आप क्या लिखेंगे? सीएनएस टू इनवॉलेंट्री मसल, कंट्रोल नर्व्स फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल, ये उसका फंक्शन हो गया। तो सीएनएस जो इंक्लूड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, दैट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। यस, दैट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। पीएनएस कंप्राइजेज है ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी व्हिच आर एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? पीएनएस कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इन सिंपल पीएनएस कैसे फॉर्म हुआ? क्रैनियल नर्व से और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। नर्व फाइबर जो होते हैं पीएनएस के,
उसके नर्व्स फाइबर्स की भी जब हम स्टडी करते हैं तो ये दो टाइप के नर्व फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं एफेरेंट नर्व फाइबर्स, मैं यही है जो आपने वो लिख लिया, उनके एफेरेंट और इफेरेंट के नाम से उसके फंक्शंस को बताया गया है और कुछ नहीं है। एफेरेंट सिंपल नर्व फाइबर ट्रांसमिट करते हैं इंपल्सिस को फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, ये एफेरेंट फाइबर क्या कर रहे हैं, टिश्यू ऑर्गन से, सिंपली मैं एक वर्ड में लिख रहा हूँ, टिश्यू से या ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, इम्पल्सिस को। ठीक है, एफेरेंट नर्व फाइबर इम्पल्सिस को टिश्यू से सीएनएस की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि इफेरेंट क्या करते हैं, इफेरेंट फाइबर ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सिस को सीएनएस से किसी टिश्यू की तरफ, ये उसका रिवर्स हो गया, सीएनएस से जो रेगुलेटरी इम्पल्सिस होती है उनको सीएनएस से टिश्यूज की तरफ लेके जाते हैं। तो ये सिंपली इफेरेंट और एफेरेंट का काम होता है। तो यस, पीएनएस का ध्यान रखेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वचालित ऑटोनॉमिक, उसमें भी दो पार्ट, सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक डिविजन्स में इमरजेंसी सिचुएशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि जो पैरासिंपैथेटिक डिविजन है वो बॉडी को रिलैक्स कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो कंट्रोल करता है नर्व्स को सीएनएस टू दी स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री। ऑटोनॉमिक जो है कंट्रोल करता है नर्व्स को आपके फ्रॉम सीएनएस टू दी स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई सबको, से यस और नो? यस सर, यस सर, ओके, आगे बात करते हैं। एफेरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्सिस फ्रॉम, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, आप लोग इसको देखेंगे पढ़ेंगे फिर यहाँ पे। न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपके न्यूरल टिश्यू की। और ये कैसा होता है, ये जो है आपका एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन में एक्टोडर्मल है। तो न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यस, कंपोज्ड होता है तीन मेजर पार्ट्स हैं इसके, नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। न्यूरॉन जिसे हम नर्वस टिश्यू जो है दो टाइप से मिलके बनता है, ध्यान रखिएगा, एक होती है न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है दो तरीके से बन रहा है या दो पार्ट्स से मिलके बन रहा है, एक हो गया जैसे आपका न्यूरॉन जिसे आप बोलते हो, ठीक है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल के नाम से जानते हैं, राइट। दूसरे की अगर हम बात करें तो वो होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, करेंगे बात न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में आगे, न्यूरो ग्लियल सेल। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे अभी आगे। तो फंक्शन क्या है, न्यूरॉन के फंक्शन क्या है, तो पढ़े हैं आप लोगों ने छोटी क्लास में, तो आप कहेंगे स्टिमुलाई, एक वर्ड याद आएगा सीधा सबको, स्टिमुलाई है, ऐसा ही है क्या, सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी को बताता है, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, ठीक है, लाइक एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, एक्साइटेबिलिटी, राइट। उसके अलावा कंडक्शन करता है इंपल्सिस का, तो कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, राइट। और क्या करता है ये न्यूरॉन, और क्या कर सकता है नर्व सेल, क्या करता है न्यूरॉन, कहता है कि आई कैन डिटेक्ट स्टिमुलाई। ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि आई कैन डिटेक्ट स्टिमुलाई, ऐसा न्यूरॉन कहता है। ठीक है, और सोचिए कि ये न्यूरॉन है, ये है न्यूरॉन, काफी खुश है ये न्यूरॉन, ठीक है, और न्यूरॉन गाना गा गा के सबको बता रहा है कि आई कैन डिटेक्ट स्टिमुलस, खुश है बहुत सारा, कह रहा है कि आई कैन रिसीव, आई कैन रिसीव स्टिमुलस, ऐसा न्यूरॉन कह रहा है। उसके अलावा न्यूरॉन कहता है कि आई कैन ट्रांसमिट,
आई कैन ट्रांसमिट स्टिमुलाई, ऐसा न्यूरॉन कहता है, राइट। अब जब आप इसके अंदर देखते हो कि यहाँ कुछ पार्ट्स लिखे हुए, डेंड्राइट सेल, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, तो ये एंड नर्व सेल जो है, एक खासियत है नर्व सेल की, ये बात आप लोग शायद जानते हैं, जब हमने पीछे कुछ सेल वाले चैप्टर पढ़े थे, पीछे हमने कहीं डिस्कस किया था इस पॉइंट को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नर्व सेल डू नॉट डिवाइड, ये बात कितने बच्चे जानते हैं? नर्व सेल डू नॉट डिवाइड, ये बात कितने बच्चे जानते हैं? यस सर, एक यस आवाज, सर, यस दो आवाज है सर, इसके नीचे का। यस अरे वाह, सर, मैं भी अच्छा मैं भी, देखिए कोई है यहाँ पे जिनका नाम है मैं भी, वो मैं भी कह रहे हैं, मैं भी जानता हूँ। तो यस, इसके पीछे का रीजन क्या था प्रतीक प्रतीक? इसके पीछे का रीजन, आई नो, इसके पीछे का रीजन एक्चुअली में होता क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डिवाइड क्यों नहीं करती है, तो आप लोग जानते हो कि नर्व सेल डू नॉट डिवाइड, व्हाई? सो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेंट्रियोल पढ़े थे बच्चों, सेंट्रियोल याद है? यस सर, अच्छा, इसका यस फंक्शन सर, क्या था प्रतीक्षा? सेल डिवीजन, अरे वाह, मेन फंक्शन हेल्प करता है सेल डिवीजन में एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, सेंट्रियोल डीजनरेट कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्टार लगा के लिख लेना। ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट सेंट्रियोल डीजनरेट कर जाते हैं एंड दैट अनेबल टू परफॉर्म द माइटोसिस एंड मियोसिस एज वेल, सो दैट्स व्हाई नर्व सेल डू नॉट डिवाइड, सिंपल, ठीक है। तो सेंट्रियोल हमने वहां पढ़े थे, तो इस वजह से डिवाइड नहीं कर पाते। फिर इसके अंदर हम अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करेंगे और एक कोशिश करते हैं कि एक न्यूरॉन को समझने की, मतलब बना के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। चलिए कलर लेते हैं, येलो काफी ब्राइट लगता है कलर, और कुछ फंक्शंस को भी हम कोशिश करेंगे कि फिर यहीं पे इसके समझने, ठीक है। आप लोग भी बनाएंगे उसको, हम डायग्राम से ज्यादा उसकी लेबलिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है। समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स बताने की कोशिश करेंगे, या कि एनसीईआरटी करती है किस किस तरह के पार्ट्स को इलैबोरेट करने की। चलिए जी, कुछ एक ही मेन पार्ट, उसके अलावा यहाँ प्रेजेंट होते हैं सेंट्रम में। चलिए, सेंट्रम में क्या होता है? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस सबसे पहले, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अलावा यहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या होगा? न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या होगा सारे में? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और क्या बोलते हैं उसको, इसके साइटोप्लाज्म, मेसेंकाइमल्स, न्यूरोप्लाज्म, थोड़ा इधर उधर निकल गया था, है न्यूरो प्लाज्म, न्यूरो प्लाज्म, न्यूरो प्लाज्म इज सिंपल फ्लूइड, सिंपल फ्लूइड ऑफ
साइटॉन, ठीक है, सिंपल फ्लूइड ऑफ साइटॉन, ओके। और क्या होगा इसके अंदर उसको देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कई न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ कई न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स हैं यहाँ, न्यूरोफिब्रिल्स हैं, न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ लिख देता हूँ, इस फ्लूइड के पास अंदर न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट हैं। सर न्यूरोफिब्रिल्स क्या करते हैं? न्यूरोफिब्रिल्स मैसेज को, न्यूरोफिब्रिल्स मैसेज को अंदर फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, अंदर और अंदर फॉरवर्ड करता चला जाएगा उसको, ठीक है, अंदर फॉरवर्ड करेगा, ठीक है जी, ओके। उसके बाद अगर मैं देखूं ये वाले जो पार्ट हमने बनाया है बाहर, ये इसे हम बोलते हैं, ये हो गए हमारे डेंड्रॉन, ठीक है। डेंड्रॉन क्या करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्रॉन? रिसीव सिग्नल्स, रिसीव करते हैं सिग्नल को, वेरी गुड। क्या करते हैं? रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, राइट। तो एंड ये बात, पास ऑन टू द साइटॉन। एंड ट्रांसफर टू द साइटॉन, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द साइटॉन। और देखो आगे फिर ये न्यूरोफिब्रिल्स हैं जो कहते हैं कि लिया भाई लिया, मैं हूं ना, मैं देके आ रहा हूँ आगे। तो यहाँ डेंड्रॉन्स, और ये आगे प्रेजेंट होंगे डेंड्राइट्स, इसी के आगे क्या प्रेजेंट होंगे? डेंड्राइट। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को एक छोटा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से जैसे हमने बनाया है ये, यानी कि इसके आगे ये एक डेंड्रॉन समझो, और इसके आगे ये डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है, इसके आगे ये डेंड्राइट्स हो गए, समझ रहे हो? ऐसे ये डेंड्राइट्स हो गए। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? दीज आर दी प्रोटीन रिसेप्टर्स। बच्चों डेंड्राइट्स पढ़ते हो ना, समझ आ रहा है? डेंड्राइट्स का मतलब मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ? यस हाँ जी, सर, हाँ बता देना, देखो डाउट हो तो। डेंड्राइट्स का मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस डेंड्रोन के आगे डेंड्राइट्स हैं। अब प्रतीक क्या है ये डेंड्राइट्स? ये डेंड्राइट्स हैं एक तरह के प्रोटीन रिसेप्टर्स, ठीक है, ये हैं आपके प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं ये, ठीक है, प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। जो सेंड कर रहे हैं मैसेज को टुवर्ड्स द साइटॉन, ये भी कह सकते हैं हम आगे साइटॉन की तरफ ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, ओके जी। उसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, आगे की और थोड़ी सी बात करते हैं। इसी बॉडी के अंदर यहाँ प्रेजेंट होते हैं कई और भी बॉडी। अब कई और बॉडी कौन सी है वो हम उसको लेते हैं, चलिए इस कलर से, ये तो सेम सेम हो जाएंगे, इससे लेते हैं। यहाँ कई और बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यहाँ कई और बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, यहाँ कई और बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ये और भी बॉडीज होती हैं। और इन बॉडी को हम नाम देते हैं किसका? निजल ग्रैनुल्स का, ठीक है, निजल्स, निजल ग्रैन्यूल। और ये निजल ग्रैन्यूल क्या करते हैं? निजल ग्रैन्यूल किससे मेडअप होते हैं? निजल ग्रैन्यूल्स मेडअप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर प्लस राइबोसोम, ठीक है, ईआर प्लस राइबोसोम से मेडअप होते हैं, ठीक है, एरो का मतलब समझ जाना, राइट। एंड निजल ग्रैन्यूल जो है दीज आर प्रेजेंट इन दी डेंड्रॉन, साइटॉन, ठीक है, बट एबसेंट इन एक्सॉन, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। निजल ग्रैन्यूल्स के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ निजल ग्रैन्यूल्स के लिए, यहाँ पे लेके आके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, निजल ग्रैन्यूल्स, प्रेजेंट इन डेंड्रॉन, प्रेजेंट इन डेंड्रॉन और साइटॉन, बट एब्सेंट इन एक्सॉन, ठीक है, एब्सेंट इन एक्सॉन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ओके जी। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं और आगे चलते हैं। ये पार्ट हमारा इस साइटॉन का हो गया, सेल बॉडी का हो गया, ठीक है, सेल बॉडी हो गई हमारी। उसके बाद यहाँ प्रेजेंट होते हैं कई आपके ट्रिगर्स, ठीक है, कई यहाँ ट्रिगर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? इसे हम बोलते हैं एग्जॉन हिलॉक, ठीक है, इसे हम कहते हैं एग्जॉन हिलॉक। ये एग्जॉन हिलॉक क्या होते हैं?
ये आगे एक्सॉन के अंदर मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, ट्रिगर करते हैं स्टिमुलाई को एक्सॉन की तरफ। ट्रिगर ट्रिगर स्टिमुलाई, ट्रिगर स्टिमुलाई टू एक्सॉन, ट्रिगर एक्सॉन स्टिमुलाई टू एक्सॉन। ठीक है जी, ये बात हो गया। उसके बाद हम अंदर देखते हैं इस एक्सॉन में, तो हमें कई माइटोकॉन्ड्रियाज भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट हैं। सो यस, यहाँ क्या हो गए, यहाँ हो गए कई माइटोकॉन्ड्रिया जो उसको एनर्जी दे, ठीक है, जो उसको एनर्जी दे, तो ये माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए। और देखते हैं जरा, और कोई अलग कलर ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए हमारे, और ये जो लॉन्ग ट्यूब है हमारी, ये तो एक्सॉन ही हो गई, ये बात आप जानते हैं। ओके, इसके ऊपर हमें कुछ कवरिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। पहले उससे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझिए, ये कुछ ऐसे एंड कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, राइट। ओके जी, एंड यहाँ ये जो मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, पहले मैं इसके बारे में बता दूँ, कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए आप लोगों का, कुछ अगर 19-20 हो जाए तो याद दिला देना। अब देखिए, जैसे ये वाला जो रीजन है, जैसे ये वाला जो रीजन है, ये रेड के अंदर जो येलो वाला है, इसको तो हम कह रहे हैं कि ये एक एग्जॉन है, ठीक है, ये एक एग्जॉन है, ये पूरा का पूरा ये एक एग्जॉन हो गया। लेकिन एग्जॉन के बाहर भी तो एक मेम्ब्रेन होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या है, व्हाट इज एक्सोलेमा, मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, ठीक है। एक्सोलेमा क्या है, एक्सोलेमा इज अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलेमा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इनकी जो श्वान सेल्स होती हैं, ये श्वान सेल्स होती हैं जिसको प्रोटेक्शन का काम करती हैं, से यस और नो, श्वान सेल से, यस और ये सर, उनके के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गए उसके अंदर उसके न्यूक्लियस, ये हो गए उसके अंदर उसके न्यूक्लियस, ये हो गए न्यूक्लियस, ये उसके न्यूक्लियस। तो ये क्या है, ये हैं श्वान सेल्स और ये उसके न्यूक्लियस हो गए, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल। अच्छा, इनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है, एंड ये एक माइलिनेटेड शेथ की कवरिंग भी होती है, इसे हम माइलिनेटेड शेथ भी बोलते हैं। श्वान सेल्स के बाहर, इस न्यूक्लियस के बाहर, इन सेल्स के बाहर जो कवरिंग होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ दी दैट इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ दी माइलिनेटेड शेथ कवरिंग। शेथ इज लाइक अ कवरिंग, तो माइलिनेटेड कवरिंग होती है। एंड इनके इनके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं, या ये जो अटैचमेंट होती है इनके बीच में, यहाँ पे इस रीजन पे, यहाँ पे ये जो रीजन्स हैं, ये रीजन, इसे हम नाम देते हैं किसका, नॉड्स ऑफ रैनवियर, इट्स कॉल्ड नॉड ऑफ रैनवियर, ठीक है, नॉड्स ऑफ रैनवियर, राइट। तो उसके अलावा ये जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ इम्पल्सिस को, इम्पल्सिस ही ट्रांसफर हो रही हैं आपके, सिंपली जब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ कई हमें ये एक सिनेप्टिक नोब लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, ये हो गए हमारे सभी सिनेप्टिक नोब, ठीक है, नोब इसलिए क्योंकि बल्ब लाइक शेप हमें दिख रही है, तो सिनेप्टिक नोब हो गई, ठीक है। इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं ये सिनेप्टिक वेसिकल, इसका फंक्शन आगे बताऊंगा कि कैसे इम्पल्सिस आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इनके अंदर प्रेजेंट होती है ये सिनेप्टिक वेसिकल, सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी सिनेप्टिक वेसिकल, राइट। तो ये कुछ जो पार्ट हमारे हैं, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और ऐसी लाखों ये न्यूरॉन्स जो हैं आपकी बॉडी में इसमें प्रेजेंट है, पूरा का पूरा चेन है इसका।
श्वान सेल्स की अगर हम बात करें, और आपका जो पूरी न्यूरॉन में अगर मैं बात करूं, चलो पूरे पूरी न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ, पूरे न्यूरॉन में मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो है वो एक्सॉन हिलॉक है, तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। उसके अलावा श्वान सेल्स क्या सिक्रेट करती है, ये जो श्वान सेल्स हमने बनाए, न्यूक्लियस बनाया श्वान सेल्स का, ये श्वान सेल ही है जो सिक्रेट करती है इस माइलिन शेथ को। माइलिन शेथ को जो सिक्रेट कर रही है ये श्वान सेल्स ही होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। श्वान सेल्स जहां माइलिन शेथ सिक्रेट नहीं करता, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, श्वान सेल जहां पे माइलिन शेथ सिक्रेट नहीं करता वहां पर नोड ऑफ रैनवियर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इन रीजंस में नोड ऑफ रैनवियर जो फॉर्म हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे श्वान सेल ने सिक्रीशन नहीं किया माइलिन शेथ का। श्वान सेल, आई रिपीट, श्वान सेल जहां पर, आई रिपीट, श्वान सेल जहां पे माइलिन शीथ सिक्रेट नहीं करता वहां पे नोड ऑफ रणवियर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका जो नेजल ग्रैन्यूल है वो मेडअप होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से। डेंड्राइट्स के पास प्रोटोमीटियस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो फॉर्म करते हैं आपके इन रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को, आगे ट्रांसफर करते हैं। एक्सॉन हिलॉक भी आगे एक्सॉन की तरफ इस लॉन्ग फाइबर के अंदर, जो कि एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है, इस एक्सॉन की तरफ आगे ट्रांसमिट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या सिंपली कहूँ कि उसको ट्रांसमिट करने पे मैसेजेस को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है उसे हम एक्सोलेमा के नाम से जानते हैं। इसी बिहाफ पे हम लोग ये पॉइंट समझ आया सबको? यस ग्रेट। सर, यस सर, अब इसी बिहाफ पे हम टाइप्स में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कितने टाइप्स की न्यूरॉन्स होती हैं? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। यस, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इतनी ही मेंशन है और हम मैक्सिमम टाइम हम इतनी ही पढ़ते हैं, ठीक है, हम मैक्सिमम टाइम हम किसी बुक में ही पढ़ते हैं तो इतनी ही पढ़ते हैं, लेकिन और भी टाइप हमें जानकारी के लिए अपनी रखनी है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ होती हैं ए पोलर टाइप, ठीक है, ए पोलर टाइप, ए पोलर टाइप, ए पोलर का मतलब होता है, अब ए बायोलॉजी में जब किसी भी वर्ड के आगे लगता है तो उसका मतलब होता है नॉट। अब यहाँ नॉट का मतलब क्या है, मैं एक पिक्चर बनाता हूँ, कोशिश करेंगे उसके थ्रू को समझने की, ठीक है। ये कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ इस पिक्चर के थ्रू, देर इज नो डेफिनेट डेंड्रॉन और एक्सॉन, नंबर एक बात। नंबर दो बात, सेल प्रोसेस जो होती है यहां पे या तो एब्सेंट होती है, और अगर प्रेजेंट होती है देन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, अगर कोई भी सेल प्रोसेस होती है। दूसरी बात क्या बोली मैंने, सेल प्रोसेस जो होती है या तो वो एब्सेंट होती है, और अगर प्रेजेंट होती है द नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, तीसरी बात। दूसरी बात मैंने सेल प्रोसेस से रिलेटेड बताई, आप लोग ध्यान रखेंगे, रफली लिखेंगे, सेल प्रोसेस इधर एब्सेंट इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगी देन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सॉन एंड डेंड्रॉन, तीसरी बात। स्टिमुलाई सही है, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्टिमुलस को, तीसरी बात, स्टिमुलस कैन एंटर
फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ठीक है, एंड स्टिमुलस कैन गो आउट फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा, एंड स्टिमुलस कैन गो आउट फ्रॉम एनी डायरेक्शन। तो ये चीज मैं यही बताना चाह रहा हूं सर, ऐसा कहाँ पे होता है? फॉर एग्जाम्पल लोअर ऑर्गेनिजम्स में, हाइड्रा की बात कर रहे हैं, आपकी आईज में भी कई एमेक्राइन सेल है रेटिना की, वहां पे भी देखने को मिलती है, ये ए पोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन। ये चीज समझ आई? यस सर। आगे चलते हैं, दूसरा आता है यहाँ पे यूनिपोलर टाइप। यूनिपोलर टाइप, तो यूनिपोलर टाइप में हम कैसे देखते हैं? सिंगल प्रोसेस डेवलप, सबसे पहली बात सिंगल प्रोसेस होती है, सिंगल प्रोसेस डेवलप फ्रॉम सेल बॉडी इन सिंपल वन एक्सॉन, इन सिंपल वन एक्सॉन। नर्वस सिस्टम जो होता है एम्ब्रियो का, ध्यान से सुनना बात, नर्वस सिस्टम जो होता है एम्ब्रियो का कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है यूनिपोलर टाइप। नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो में हमें ऐसा देखने को मिलेगा? बिल्कुल, नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रियो। अब क्योंकि वैसे भी एम्ब्रियो जो है ना वो वेल प्रोटेक्टेड होता है, एम्ब्रियो को कैसे देखते हो? वेल प्रोटेक्टेड होता है एम्ब्रियो, वेल प्रोटेक्टेड होता है, तो उसको ज्यादा किसी स्टिमुलस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहां पे हमें इस टाइप की यूनिपोलर टाइप न्यूरॉन्स देखने को मिलती है। फिर हम एक बात करते हैं किसकी, श्यूडो, श्यूडो यूनि पोलर, श्यूडो यूनि पोलर टाइप। ओ, श्यूडो यूनि पोलर टाइप जहां पे हमें सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट हो, सिंगल एक्सॉन प्रेजेंट, सिंगल एग्जाम प्रेजेंट, लेकिन स्मॉल प्रोसेस भी होती है, बट स्मॉल प्रोसेस डेवलप्स। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं, फ्रॉम एक स्टेटमेंट बन जाएगी, फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एग्जाम या फ्रॉम दिस एग्जाम, लाइक कुछ ऐसा। कुछ इस तरह की शेप देखने को मिलती है, कुछ इस तरह की शेप देखने को मिलती है। अब जैसे कि हमारी जो दैट इज मैंने क्या लिखा कि सिंगल एग्जॉन प्रेजेंट बट अ स्मॉल प्रोसेस डेवलप फ्रॉम दिस एग्जॉन, कुछ एक्ट्स एज डेंड्रॉन, विच एक्ट्स एज डेंड्रॉन। फॉर एग्जाम्पल डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, ठीक है,
ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी उसमें स्पाइनल पार्ट में, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड स्यूडोपोलर टाइप ऑफ ये न्यूरॉन हमें देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं और इनके अंदर तो कैसी होती है, कुछ होती है हमारी बाईपोलर टाइप। पोल्स की बात करूं, पोलर जब मैं बोल रहा हूँ ना, पोल बोल रहा हूँ यानी कि, ठीक है पोल बोल रहा हूँ, यहाँ यूनिपोल हुआ एक पोल, यहाँ स्यूडो पोल हुआ, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। और कुछ होते हैं आपके जो बाईपोलर टाइप होते हैं, ठीक है बाईपोलर टाइप यानी कि बाईपोलर का मतलब है वन एग्जॉन एंड वन डेंड्रॉन। बड़ा आवाज आ रही सबको मेरी, वन एग्जॉन वन डेंड्रॉन, ठीक है। अब वन एग्जॉन वन डेंड्रॉन ये आप पढ़ते हो टाइप, एग्जाम्पल भी आप लोग पढ़ते हो इसमें, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल पढ़ते हो रेटिना का, ठीक है आप लोग एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, इनके एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रेटिना हो गया, रूट सेल जो हो गए आपकी, सॉरी उसमें रूट सेल से मेरा मतलब है कि जो डीप जो सेल हो गए आपकी, जो फोटो रिसेप्टर सेल जिनको आप बोलते हो। अब रूट में दो हो गए, जैसे कि रॉड सेल्स हो गई और कॉर्न सेल हो गए, तो सिंपली आप उनको रॉड एंड कॉर्न सेल्स भी बोल सकते हैं। ये रूट सेल है यानी कि बेसिक सेल है हमारी जो आई की हो गई, तो रॉड सेल्स एंड कॉर्न सेल्स, ठीक है। फिर आप इसके अलावा जो पढ़ते हो मल्टीपोलर टाइप, अनदर इसमें पढ़ते हो मल्टीपोलर टाइप। अब मल्टीपोलर टाइप में एक एग्जॉन होता है, वन एग्जॉन, जैसे कि अभी आपने बनाया एक एग्जॉन बनाया था, ठीक है, लेकिन मैनी डेंड्रॉन्स बनाए आपने उसमें, मैनी डेंड्रॉन्स बनाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं वर्टिब्रेट्स की, मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं, मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ वर्टी ब्रेट्स, मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ वर्टी ब्रेट्स हमारी मल्टीपोलर टाइप हमें देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके से हम इनका डिवीजन करते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? यस सर। ठीक है अब देखो, तो ये तो टाइप्स हुए स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, ठीक है ये जो टाइप्स हुए स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, अब कुछ बात करते हैं उनके फंक्शन के बिहाफ पे, ठीक है जी। तो यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन एज वेल, राइट। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, अब बात करते हैं कुछ फंक्शन के बिहाफ पर। ठीक है जी, अब फंक्शन के बिहाफ पे जैसे एक होती है आपकी सेंसरी, ठीक है सेंसरी या फिर एफेरेंट, जो लेके जाती है मैसेज को आगे, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या फिर इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन, ठीक है, या फिर आप इसको नाम दे सकते हो इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन, ठीक है। उसके अलावा मोटर न्यूरॉन आप पढ़ते हैं, मोटर या फिर इफेरेंट, इफेरेंट न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी, मोटर, इंटर न्यूरॉन, इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन के नाम से भी इसको जानते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करती हैं? सेंसरी न्यूरॉन आपकी न्यूरॉन रिसीव करती है स्टिमुलाई को, आप इसके लिए क्या पढ़ते हैं रिसीव स्टिमुलाई,
ठीक है, रिसीव स्टिमुलाई और उसको फॉरवर्ड करती हैं आके, एंड फॉरवर्ड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसे फॉरवर्ड कर रही हैं आगे कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन क्या है, रिकग्नाइज करती हैं स्टिमुलाई को, ठीक है, बीच में है तो बीच में होने की वजह से रिकग्नाइज करती हैं स्टिमुलाई को, रिकग्नाइज दिस स्टिमुलाई, और उसके बाद एंड गिव्स रेस्पॉन्सेस। ठीक है, दैट गिव्स रेस्पॉन्सेस। मोटर न्यूरॉन की अगर बात करें तो मोटर न्यूरॉन रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, रिसीव रिसीव स्टिमुलाई, रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फॉरवर्ड इट टू, फॉरवर्ड इट टू ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन होती है। ठीक है, तो आपका मैसेज गया सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, सेंस किया आपने हॉट ऑब्जेक्ट को और वो पहुंचा आगे कहाँ पे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो जो ये जो होती है ना, इसको हम कुछ ऐसे बनाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के थ्रू भी। मानो कि ये मैंने बना दी आपकी कोई एक न्यूरॉन, ठीक है, ये एक मैं रफ न्यूरॉन बना रहा हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए कि ये आपकी एक रफ न्यूरॉन हो गई, ठीक है, ये आपकी एक रफ न्यूरॉन हो गई, ठीक है, ये हमने उसके लास्ट पार्ट बना दिए सारे, ये उसके वो डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है, ये उसके डेंड्राइट्स हो गए, डेंड्रॉन्स हो गए, यहाँ पे उसके वो माइलिनेटेड ये शेथ वगैरह हो गई, कवरिंग वगैरह, हम सिर्फ रफ डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ऐसा समझिए कि ये आगे कोई एक दूसरी न्यूरॉन हो गई, ठीक है, ये कोई एक आगे दूसरी न्यूरॉन हो गई, ठीक है, ये आगे दूसरी न्यूरॉन हो गई, ठीक है, उसके बाद ये एक अनदर न्यूरॉन हो गई, और ये फिर वही लास्ट हमारा पार्ट हो गया, और ये उसका आगे वही न्यूक्लियस वगैरह ये आपने उसमें बना दिया। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं इसे, कि ये जो है, ये जो दो ये जो पार्ट है, ये आपका पार्ट हुआ कहाँ पे, ये आपका पार्ट हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, और ये तो आपकी है ही है, ये वाला जो पार्ट हुआ ना, इवन ये वाला इतना कनेक्ट कर लो, ये वाला जो पार्ट हुआ ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये रिकग्नाइज कर रहा है स्टिमुलाई को और गिव कर रहा है उसका रेस्पॉन्स, और ये जो मोटर न्यूरॉन है ये आगे जाके फिर अपना इम्पैक्ट दिखाना स्टार्ट करेगी, ये इफेक्ट पर ये तो दिखाना। सभी एक ही जैसे हैं। अरे पे कैसे आएगा, ये तुमने बाहर से लिया, ठीक है, रिसीव किया स्टिमुलाई को और आगे फॉरवर्ड कर दिया कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आगे फॉरवर्ड कर दिया कहाँ पे, बोलो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद क्या हुआ, रिसीव किया इसने स्टिमुलाई को सीएनएस से मोटर न्यूरॉन ने, और फॉरवर्ड कर दिया आगे ऑर्गन में, और ऑर्गन ने क्या किया, अपने हाथ को हटा लिया, जब आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया ना, तो ये सब हुआ आपके साथ, जब आप रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हो। अब कई जगह ब्रेन इन्वॉल्व होता है, कई जगह ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तो जो कोई ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वहाँ बहुत ज्यादा ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि इतनी देर में तो सोचेगा तो काम हो जाएगा खतरनाक, समझे कि नहीं, सर ब्रेन कहाँ इन्वॉल्व नहीं होता है। रैपिड ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज होते हैं, डिपेंड करता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है, वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। तो ये सिंपल हमने जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारी, उनको फंक्शंस के बिहाफ पे डिवाइड कर दिया, सेंसरी न्यूरॉन या इफेरेंट, मोटर न्यूरॉन एंड इफेरेंट, क्लियर एकदम, यस और नो? यस सर, हाँ जी, यस तो सर, इसको सर करेंगे आप आराम इसकी, से बोलिए। आराम से बोलू, आवाज धीरे आ रही है, यस
सर बहुत आप फास्ट बोल दिए थे उतने समय। अच्छा मैं फास्ट बोल दिया, सर फास्ट कब नहीं बोल है, दिया हाई बोलना फास्ट? चाह रहा है, उसके पहले हाँ सही बोलना चाह रहा है, लाउड बोल दिया, लाउड। अच्छा लाउड बोल दिया। अच्छा, हाँ वो माइक शायद पास ले आया था मैं तो। तुम लोग काफी धीरे बोल जाते हो ना, इसलिए तो मुझे फास्ट या लाउड बोलना पड़ता है, शायद सर आवाज। टोन की है हमारी। और फिर तुम लोग जब बोलते नहीं हो तो मेरी टोन काफी ज्यादा लाउड हो जाती है फिर, है गुस्से से ना? जब तुम बोलोगे नहीं तो फिर लाउड हो जाती है, और जब धीरे बोलते हो तो उसमें भी नुकसान है। चलिए, टाइम हो गया। अच्छा टाइम हो गया है, अच्छा टाइम भी हो गया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर उसको कंप्लीट टाइम लगेगा। फिर आगे हम ब्रेन की तरफ मूव करेंगे, कुछ और बातें जानेंगे। अभी न्यूरो, जो हमने न्यूरोग्लिया छोड़ा था, ये तो नर्व सेल वाला पार्ट हुआ, अभी न्यूरोग्लिया के बारे में बात करेंगे कि उसका फंक्शन क्या है और न्यूरोग्लिया कितने टाइप के होते हैं, उसको रिलेट करेंगे आपके पिछले कॉन्सेप्ट के साथ भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, यहां तक करना, ठीक है। ओके सर, चलिए, ओके थैंक यू सर, ऑल थैंक यू ऑल सर, गुड थैंक इवनिंग सर, यू सर, बाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। ऑल राइट, ऑल राइट।